हरिओम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैंने क्या लूंगी? देखो लेसन सेवन का असाइनमेंट सेवन। कौन सा है असाइनमेंट? सेवन पर आती ओके। हाँ, थ्री डिजिट नंबर कैरिंग विदाउट कैरिंग ओके।
plus 4, 6, 3. Okay. Who get 9 number who get in 10 by get 100. 10 1 देखो 4 0 3 3 plus 3 7 5 11 number 100 tens, ones, I 3 2 by 3 2, 2 5 7 plus 2 5 7. Okay. Number 12 and 10 1 4 2 6 2 6 3 0 3 0 3. Okay. 12 number ka yahan diya gaya hai. Okay. English one or maths ke मैथ्स डू प्रैक्टिस ओके देखो हमने करना क्या है और हाँ 110 और 1 मैंने पहले दिन भी समझाया है जे आप लोगों को जो भी मैथ्स करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन कहाँ से करना होता है हमें राइट साइड से हम राइट हैंड कौन सा ये वालों हाथ में हम राइट लिखते तो राइट हैंड कहाँ जाता है और ग्रेटर नंबर हमेशा आपको माइंड में रखना है ओके तो उसको हमें क्या लेना है अभी इसका हमें राइट साइड से ऐड करना है 4 तो है ही 4 बड़ा नंबर है और 1 स्टैंडिंग फिंगर 4 और 1 कितने होते हैं 5 कितना किया 5 4 और 3 4 ग्रेटर नंबर माइंड में रखो 3 स्टैंडिंग फिंगर 4 है 5 6 7 कितने होते हैं 7 ओके 5 और 3 5 ग्रेटर नंबर 3 स्टैंडिंग फिंगर 5 6 7 8 कौन सा होगा 8 ओके हो गया ना आप लोगों को देखो
कितने मिल गए हैं? सेवन. नाउ सेवन और वन, सेवन और वन, सेवन माइंड में रखो, वन स्टैंडिंग फिंगर. सेवन और वन एट, ध्यान में है एट. टू और टू, टू स्टैंडिंग फिंगर और टू वन टू, कितने हो गया? फोर. ओके, फोर नंबर देखो, थ्री स्टैंडिंग फिंगर और टू स्टैंडिंग फिंगर, वन और टू, कितने हुए हैं? थ्री और टू फाइव. फोर और फोर, फोर माइंड में रखो, फर्स्ट स्टैंडिंग फिंगर करो, कितना आ गया? फोर है फोर, फाइव सिक्स सेवन एट, कितना मेरे फिंगर एट. देखो फोर और थ्री, फोर स्टैंडिंग फिंगर, फोर ग्रेटर नंबर माइंड में रखो, थ्री स्टैंडिंग फिंगर, फोर फाइव सिक्स सेवन, कौन सा नंबर हो गया? फोर सेवन. ओके, नाउ फाइव नंबर देखो, सेवन और टू, सेवन ग्रेटर नंबर माइंड में रखो, टू कौन सा नंबर? स्मॉलर नंबर, उसको फिंगर में स्टैंड करो, टू स्टैंडिंग फिंगर, कितने हुए हैं? टू सेवन माइंड में, टू सेवन एट नाइन, कितने हुए हैं? नाइन. सिक्स और थ्री, सिक्स नंबर ग्रेटर नंबर, उसको बड़े है उसको माइंड में रखो, सिक्स और स्टैंडिंग थ्री फिंगर स्टैंड करो, सिक्स सेवन एट नाइन, कितने हुई है? नाइन. सेवन और टू, सेवन ग्रेटर नंबर उसको माइंड में रखो, सेवन
स्मॉलर नंबर
सोलह नंबर है 64। देखो इस तरह आपको वार्षिक में दिया जाएगा, इसलिए मैंने सिखा रही हूँ, इसके बाद कोई गलती ना हो जाए। ओके 46, 54, 39, 80। इसके अंदर ग्रेटर नंबर कौन सा है? 80। और स्मॉलर नंबर 39, 77, 59, 86, 68। तो इससे सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 86। और सबसे छोटे नंबर 59। नो प्रॉब्लम, ये आप लोग को समझ में आ गए। अब इसके बाद आप लोग को टेबल भी अच्छा से लर्न करना है, 1 to 100 नंबर स्पेलिंग करना है, और इसके बाद ऑड नंबर इवन नंबर प्रैक्टिस रखना है। ऑड नंबर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है, जो जोड़ वाला नंबर है वो इवन नंबर, और जो बीजोड़ नंबर है उसको ऑड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, ये है ऑड नंबर। इवन नंबर कौन सा होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये नंबर है इवन नंबर। देन में जोड़े वाले नंबर को ऑड नंबर, इवन नंबर, और बीच और नंबर जो जोड़ा नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। हाँ, और टेबल 2 से लेकर 15 तक मैंने टेबल कराया। ओके 15 तक टेबल आप लोगों को अच्छा से अच्छा लर्न करना है, हैं? इसके बाद कभी भी ये गलती नहीं होना चाहिए। और टेंस, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये भी आप लोगों को करना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, हैं? जैसे देखो और ये दिखाओ, जैसे आप लोगों को दिया गया अंडरलाइन वालों, ये भी मैंने दूंगी आप लोगों को, टेंस और टेंस प्लेस वैल्यू किस तरह मैंने सिखाया था आप लोगों को पता नहीं, अंडर क्लास में। जैसा 24, 68, 82, 1 नंबर। देखो ये जो आंकड़ा दिया गया ये कौन सा केस है, 4 ऑनली, फोर आपको 4 लिखना है, नीचे आपको आंसर लिखना होगा, क्यों? 1 स्पेस है, 1 में आपको ऑनली 1 स्पेस में 1 लिखना होगा। और ये 6 टेंस 60, आपको यहाँ ऐसे नीचे आंकड़ा दिया जाएगा, आपको उधर लिखना है। पी 2 कौन सी स्पेस में है, 1 स्पेस में, तो क्या बनेगा 1। ये 31 आंसर में क्या जाएगा, 31 तो 3 टेंस 30, 2 टेंस 20, 4 वन ऑनली 1 4 आएगा आंसर में।